वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ व्हाट्सएप की। चूँकि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का बीटा वर्जन ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास जो वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है 2.20.14। अब इस वर्जन की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप काफ़ी दिनों से काम कर रहा था अपनी थीम के ऊपर। आप सब सुन रहे थे कि इंटरनेट के ऊपर ये सब वायरल हुआ हुआ था, ब्लैक थीम व्हाट्सएप, डार्क थीम, और तरह तरह के आपको सॉफ्टवेयर भी मिल रहे थे वहाँ पर उसको ब्लैक करने के लिए। और अभी बीच में व्हाट्सएप का बीच में आपके पास काफ़ी लिंक भी आ रहे थे कि ये वाला लिंक, ये वाला व्हाट्सएप डाउनलोड करें और इस पर बैकअप बनाए हो जाएगा, लेकिन दोज वर अनऑफिशियल। ये जो व्हाट्सएप की तरफ से रिलीज़ है ये ऑफिशियल है। जिस जिसने बीटा प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ उन सब के पास वो व्हाट्सएप की अपडेट्स आई थी, जिसमें व्हाट्सएप ने सारे माइनर चेंजेस किए थे। सो उसमें से 3 से 4 अपडेट्स के बाद कल ऑफिशियली व्हाट्सएप का डार्क वर्जन लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं कैसा है ये। सो ये है पहला इंटरफेस जहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टोटली इन्होंने थीम चेंज कर दिया, लाइट से बिल्कुल डार्क कर दिए, कलर इन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जैसे ही आप सेटिंग में आते हैं 3 डॉट्स क्लिक करके, तो आपको यहाँ पे मिलता है थीम, वॉलपेपर, चैट हिस्ट्री। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर और चैट हिस्ट्री का ऑप्शन था। अब जैसे ही मैंने कल इसको अपने पास अपडेट किया तो मेरे पास एक ऑप्शन इंक्रीज़ हुआ जो कि था थीम का। क्लिक करते हैं, क्लिक के बाद सबसे ऊपर टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा थीम। अब यहाँ पे चूँकि मैंने डार्क सेलेक्ट की हुई, तो आइए इसको क्लिक करके देखते हैं कि कितने ऑप्शन हैं। एक हमारे पास है ऑप्शन सेट बाय बैटरी सेवर। अगर हम इसको सेट बाय बैटरी सेवर पर करते हैं, तो जैसे आपका दिन जो शुरू होता है, मतलब जब धूप निकली भी होती है दिन के टाइम, ये हो जाएगा दोबारा लाइट पे। लेकिन जैसे ही जैसे रात होती जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली चेंज ही हो जाएगा डार्क के अंदर। आपके पास यहाँ पे 2 मैनुअल सेटिंग्स होती हैं, या तो लाइट या तो डार्क, तो मैं डार्क चूज़ करूँगा चूँकि ये अभी अभी अपडेट हुआ है, थोड़ा क्रेज़ हमें भी है। इनके जब यहाँ पे हम लाइट और डार्क सेटिंग्स हमारे पास होती हैं, तो आपने देखा होगा काफ़ी एंड्रॉयड मोबाइल्स फ़ोन पे और iOS पे भी डार्क मोड लॉन्च किया गया। इसलिए पहली बात तो ये कि ये हमारी बैटरी को सेव करता है। अब चूँकि ये काम कैसे करता है, जैसे ही OLED पैनल्स पे या फिर AMOLED पैनल्स पे जब डार्क मोड आप इनेबल करते हो, तो वो सारी LEDs जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं उसके, और वो एक पिच ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी बैटरी कंजम्पशन भी सेव होती है। चूँकि मेरे पास जो है वो नॉन AMOLED डिस्प्ले और नॉन OLED डिस्प्ले, मेरे पास LCD IPS प्लस LCD डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपको जो टेक्सचर है, जो कलर आ रहा है वो ग्रे प्रोड्यूस हो रहा है बजाय पिच ब्लैक के। लेकिन अगर आप सैमसंग यूज़र हैं या आप OLED पैनल्स यूज़ करते हैं लाइक हुआवे के और डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स के, तो फिर ये आपके पास बड़ा कारामत साबित होगा। ज़्यादा दीजिए अपने मेज़बान मिस्टर प्रॉब्लम सॉल्वर को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है।